हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। दिस इज क्विज नंबर 16 फॉर इलेक्ट्रॉनिक साइंस स्टूडेंट्स एंड टुडेज टॉपिक इज नंबर सिस्टम पार्ट 2। सो कुछ क्वेश्चंस जो नंबर सिस्टम के हमने पिछले क्विज में कवर किए हैं, हम उसके आगे क्वेश्चन से हम कवर करेंगे आज। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 22.5625 इज। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि हमें ये जो नंबर हमें गिवन है वो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है, और बाइनरी इक्विवेलेंट में हमें इसका साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है। ओके, सो दीज आर द ऑप्शंस। ओके, और हमें नोट में दे रखा है कि जो द बिट बिफोर कॉमा रिप्रेजेंट्स द साइन। सो ये जो कॉमाज हमें दे रखे हैं फर्स्ट बिट पे, उससे पहले जो बिट हमें दे रखी है वो इसमें ये साइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, सो हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। सो सी, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा हमारा? साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन हम बाइनरी इक्विवेलेंट में यूज़ करेंगे, और उसको एज ए साइन में कन्वर्ट करने, साइन और अनसाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो हम साइन का कहाँ यूज़ करते हैं? जो नंबर होगा उसके जो लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी ना, हमारी सबसे पहली जो बिट होगी उसमें हम एक बिट ऐड करके उसको साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर हमारा नंबर जो है वो पॉजिटिव है तो हम उसमें जीरो ऐड कर देते हैं फर्स्ट बिट में, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में, और हमारा नंबर अगर नेगेटिव है तो हम उसमें वन ऐड कर देते हैं। ओके, सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे होगा? हमें इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है क्या करना है हमें। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो एब्सोल्यूट पार्ट है दैट इज़ 22, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे बाय 2, तो 11 जाएगा, तो 11 2 20 22। सो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस होगा वो जीरो हो जाएगा। ओके, सो फिर हम अगेन इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 2 10 दैट इज़ 1 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, फिर हम अगेन ऐसे ही करेंगे, तो 2 2 4 दैट इज़ 5 में से 4 के 1 दैट इज़ 2 1 0। ओके, सो और हम इसको लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 1 0 1 1 0। ओके, 1 0 1 1 0। सो हमारा हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, 22 का जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 0 1 1 0, एब्सोल्यूट पार्ट हमारा ये हो जाएगा। ओके, फिर अगेन हम फ्रैक्शन पार्ट का हम इसको करेंगे, तो हमारा फ्रैक्शन, सो यहाँ पे क्या आया था हमारा, 1 0 1 1 0 जो है 22 का बाइनरी इक्विवेलेंट आया था। अब हम उसको फ्रैक्शन पार्ट में करेंगे, तो 0.5625 को हम फ्रैक्शन पार्ट को हम बाइनरी में इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 2 5 जा, तो हम इसको करेंगे, तो 2 5 जा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 1 इज इक्वल टू 5, 2 6 जा 2 1 2 5 10 और 1 11। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा, एंड यहाँ पे हमारा जो 4 के बाद जो होगा वो ऑप्शन, सॉरी पॉइंट आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे 1.1 है, तो हम वहाँ पे 1 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 0.1250 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा 2 0 0 2 5 जा दैट इज़ 0। सो सिमिलरली हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारा ई आ जाएगा इसमें 1 0 0 1। यू कैन फाइंड आउट ओके इजीली। सो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इसका रिप्रेजेंट आएगा वो आ जाएगा 0.1001। इसको हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस हमारे पास ये डिजिट आ गई 22.5625 को हमने रिप्रेजेंट किया बाइनरी इक्विवेलेंट में। ठीक है, हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो हमारा जो लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट है उसके आगे जो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, उसकी फर्स्ट बिट जीरो आ जाएगी। तो हमारा ये आंसर किस में आ रहा है, ऑप्शन बी दैट इज 0 1 0 1 0.1001। सो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, सो सी, साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है साइंड नंबर्स को। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट टेक्स एन एक्स्ट्रा मीनिंग, लेफ्ट मोस्ट बिट रिप्रेजेंट साइन। सो अब हम क्या करते हैं इसमें, साइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट मोस्ट
बिट से करते हैं ओके। अगर हमारे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो जीरो है तो ये नंबर पॉजिटिव को इंडिकेट करेगी, अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वन है तो ये नंबर नेगेटिव को डिजिट इंडिकेट करेगी ओके। सो सिमिलरली जो मैंने आपको समझाया तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -17 इज। तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि नंबर है -17 उसका टूज कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है ओके। दिस आर द ऑप्शन। सो जो हमारे जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो आर्स कॉम्प्लीमेंट, एक होता है आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। सो ये जो टूज कॉम्प्लीमेंट है वो आर्स कॉम्प्लीमेंट में से आता है ओके। सो हम इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको प्लस वन ऐड कर देंगे ओके। सो वंस कॉम्प्लीमेंट में हम कैसे करेंगे, जो नंबर है उसकी हर एक डिजिट को हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। दैट इज़ फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर नंबर 101 है तो हम इसको उसका वंस कॉम्प्लीमेंट हमें निकालने के लिए हम इसकी हर एक डिजिट को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। दैट इज़ 1 को 0 कर देंगे, 0 को 1 कर देंगे ओके और 1 को 0 कर देंगे, तो ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 101 का ओके। और फिर उसको अगर हम लास्ट में हम उसको 1+1 कर दें तो ये जो है वो टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारा ओके। सो और अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो नेगेटिव नंबर देगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और अगर नेगेटिव नंबर का हम निकालेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर देगा ओके। सो सबसे पहले हम 17 का बाइनरी नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो 17 का बाइनरी नंबर हमें पता है कितना होगा, हम फाइंड आउट करेंगे 2 से डिवाइड करके ओके। तो 2 8 16 होता है तो डिफरेंस हमारा 1 हो जाएगा, 2 4 8 होता है तो हमारा डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा ओके। 2 2 ओके देन अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम आगे अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1। सो हमारा क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 ओके। तो हमारा 17 का क्या आ जाएगा, हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट 17 का आ जाएगा 1 0 0 0 1 ओके। सो इसमें क्या होगा, अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी ये जो है उसको हम नेगेटिव में रिप्रेजेंट करने के लिए 1 ऐड कर देंगे क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट में 1 ऐड हो जाएगा ओके। जब हम इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये वंस में क्या हो जाएगा, 0 1 1 1 0 ओके। सो हम इसको एक बार हटाएंगे, हम सिर्फ 17 को ही वंस में कॉम्प्लीमेंट में कर रहे हैं, प्लस 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 1 1 1 एंड 0 ओके। और हमें माइनस का निकालना है, माइनस में निकालना है तो हमारा जो माइनस जो टू कॉम्प्लीमेंट में माइनस है वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 0 एंड 4 टाइम्स 1। सो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो सी टूज कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो कैसे निकालेंगे, हम वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर प्लस 1 ओके। और वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, हम हर एक डिजिट को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे ओके। सो सी यही क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन है ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 हेक्साडेसिमल नंबर्स। हमें नंबर्स गिवन है और हमें इसका सब्ट्रैक्शन निकालना है, और दीज आर द ऑप्शंस ओके। सो हम कैसे निकालेंगे, हमें 84 को 2a से सब्ट्रैक्ट करना है ओके। हेक्साडेसिमल में है तो हमें पता है कि a जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 से ओके। सो 4 को 10 से हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं तो हमें बोरो लेना पड़ेगा, तो हम 8 से बोरो लेंगे। सो इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी नंबर सिस्टम है उसमें हम बोरो लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो नंबर सिस्टम जो का बेस होगा उसको वही एज ए बोरो लिया जाएगा ओके। सो हमने 8 से बोरो लिया तो हमारे पास 16 आया, 16 इसका बेस होता है हेक्साडेसिमल का, तो 16 + 4 = 20, 20 में से हम 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, और 10 को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से ओके। गॉट इट।
एंड फिर अगेन हम यहाँ पे सात, हमारा जो बोरो लिया जाएगा तो हमारा जो टर्म बच जाएगा सेवन, तो सेवन माइनस टू करेंगे तो फाइव हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 5a, जो कि हेक्साडेसिमल में होगा. ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25.639, जो कि हमें डेसिमल में हमें गिवन है. ओके, सो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम हर एक डिजिट को, जो नंबर हमें गिवन है उसकी हर एक डिजिट को हम 9 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ओके, सो कैसे निकालेंगे हम, जैसे हमें नंबर गिवन है 25.639, उसको हम क्या करेंगे, हर एक डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, तो ये हमारा 9th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. ओके, तो 9 में से 9 0, 9 में से 3 6, 9 में 6 3, 9 में से 4, 9 में से 5 4, एंड 9 में से 2 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 74.360. सो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट हो जाएगा यहाँ पे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो सी दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, जो मैंने आपको समझा दिया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ द साइंड बाइनरी नंबर 1010100 एक्सप्रेस्ड इन 2's कॉम्प्लीमेंट विल बी. सो हमसे क्या पूछा गया है कि ये जो नंबर है वो साइंड है. ओके, तो हमें गिवन है कि ये जो नंबर है वो साइंड है, उसका डेसिमल वैल्यू जो है उसको हम 2's कॉम्प्लीमेंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमसे पूछा गया है. सो सी, मैं आपको आगे इसको समझाती हूँ. ओके, सो हमने क्या किया कि इस नंबर को हमने माइनस एन ले लिया, क्योंकि हमें गिवन है ये क्वेश्चन में कि जो नंबर है वो साइंड है, तो ये क्योंकि इसके लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट वन है, तो ये नंबर जो होगा नेगेटिव हो जाएगा. फिर हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, हर एक डिजिट जो होगी वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी. तो हमने मैंने मैं आपको बताया था कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा. फिर हम इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए प्लस वन कर देंगे, दैट इज़ हमारे पास ये ऑप्शन ये आ जाएगा. ओके, फिर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी टू से टू की पावर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, एंड हमारे पास एन आ जाएगा 86. ओके, सो जो नंबर हमें स्टार्टिंग में गिवन था वो नेगेटिव था, तो हमारा जो टूज कॉम्प्लीमेंट है वो भी नेगेटिव में आएगा, दैट इज़ माइनस 86 आ जाएगा. ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 86, दैट इज ऑप्शन सी. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर व्हेन दिस नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर बाय यूजिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड. सो हमसे यही बोला गया है कि ये जो नंबर हमें फर्स्ट नंबर जो हमें गिवन है वो सब्ट्रैक्ट किया गया है सेकेंड नंबर से बाय यूजिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो फर्स्ट नंबर हमें क्या दिया हुआ है, 110111. सो हमें फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ, 110111, और सेकेंड नंबर क्या दिया है, 11101. सो ये इसका करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या कर दिया हुआ है, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, और बाय यूजिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वंस कॉम्प्लीमेंट से हम इसको यूज़ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो सेकेंड नंबर जिसको जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे कि इसका इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा उसको उसके फर्स्ट जो होगा उसमें से उसमें ऐड कर देंगे. ओके, सो सी हमारे पास सी ए है, तो हम उसको सिमिलरली हम उसको सेकेंड नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट करके उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, सो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन. सो आवर असर्शन इज साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन इज रेयरली यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग द इंटीजर ऑफ द ALU. ALU इज द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जहाँ पे हम सारे लॉजिकल जो हो एक्सप्रेशन होते हैं, लॉजिकल जो काम होते हैं, वो सारे हम ALU यूनिट्स में करते हैं. ओके, सो दिस इज द ट्रू, अवर असर्शन इज ट्रू, एंड रीजन इज गिवन, देर आर टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो इन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन. या दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो सी साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में जीरो को हम दो से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज प्लस जीरो, एंड नेक्स्ट सेकेंड इज नेगेटिव जीरो.
नेगेटिव में जीरो, ओके। सो अगर हम ये जो है इस दो जीरो से हम साइन मैग्नीट्यूड जो रिप्रेजेंटेशन है उससे हम ALU सोल्व करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, जो सर्किट है उसमें एरर आ जाएगी, ओके। सो ये नहीं हो पाएगा, ओके। सो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो राइट हो जाएगा, दैट इज़ असर्शन एंड रीजन इज इंडिविजुअली ट्रू, बट जो रीज़न है वो एंड रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन की, ओके। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हेन टू अनसाइंड नंबर्स आर एडेड एंड ओवरफ्लो इज डिटेक्टेड फ्रॉम द कैरी इनटू द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजिशन, ओके। सो इसमें बोला क्या गया है कि जब दो अनसाइंड नंबर्स हैं जो कि साइंड नहीं है, अनसाइंड है, इनको कोई साइन नहीं दिया हुआ है, वो ऐड किया जाएगा तो एक ओवरफ्लो जो होगा उसकी कैरी में से डिटेक्ट होगा इनटू द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज या व्हेन जब दो अनसाइंड नंबर्स ऐड करेंगे तो एक ओवरफ्लो डिटेक्ट होगा कैरी में से, बट आउट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन, नॉट इनटू द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन, ओके। सेकंड स्टेटमेंट इज एन ओवरफ्लो डजंट अकर इफ द टू नंबर्स एडेड आर बोथ नेगेटिव, ओके। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इफ द कैरी इनटू द साइन बिट पोजीशन, अगर साइन बिट पोजीशन में हमारी कैरी है एंड कैरी आउट ऑफ द साइन बिट पोजीशन आर नॉट इक्वल, सो अगर हमारे जो साइन बिट पे कैरी इन है और कैरी आउट है वो अगर इक्वल नहीं है तो एक ओवरफ्लो कंडीशन प्रोड्यूस होगी, या दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज थर्ड ओनली, ओके। सो सी मैंने आपको बताया कि जब दो अनसाइन नंबर्स ऐड होंगे तो एक ओवरफ्लो डिटेक्ट होगा फ्रॉम द कैरी आउट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजिशन, नॉट इन टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजिशन, ओके। सेकेंड रॉन्ग क्यों थी, एन ओवरफ्लो डजंट अकर इफ द टू नंबर्स, हमें क्या था कि जब दोनों नंबर जो है वो नेगेटिव हैं, बट इसमें क्या होगा कि दोनों अपोजिट होंगे तब अकर नहीं होगा, उसके बाद उसके अलावा कभी भी जब कैसे भी होंगे वो अकर करेगा, ओके। थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है ही हमारी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडिशन ऑफ द टू नंबर्स, नंबर्स हमें गिवन है हेक्साडेसिमल में और हम इसका एडिशन फाइंड आउट करना है और ऑप्शंस हमें गिवन है, सो हम इसका एडिशन फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, हमारा फर्स्ट नंबर है 1A8 एंड सेकंड नंबर है 6, 7, B। सो हमें पता है B को हम 11 से रिप्रेजेंट करते हैं और A को हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे तो 11 + 8 क्या हो जाएगा 19। सो सी अब इसमें क्या होगा कि हमारे जो नंबर्स आएंगे एडिशन के बाद वो हमारे जो बेस होगा उसके उसमें ही आने चाहिए, 16 तक ही आने चाहिए। अगर बेस से ज़्यादा आ रहा है तो हम उसको 16 में से माइनस कर देंगे, तो ये बेस से ज़्यादा है तो हम इसमें 16 में से माइनस करेंगे तो 19 - 16 क्या हो जाएगा 3। सो हमारा यहाँ आ जाएगा 3, ओके। सो 16 हमने माइनस किया है तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक कैरी एड हो जाएगा, दैट इज़ 1, ओके। फिर हम यहाँ पे ए को 10 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 10 + 7 = 17 + 1 = 18, ये अगेन 16 से ज़्यादा है तो 18 को हम 16 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 2 और एक कैरी जो होगी वो ऐड हो जाएगी, तो दैट इज 6 + 1 + 1 = 8 हो जाएगा। 8 जो होगा वो हमारे बेस में ही है तो बेस से ज़्यादा नहीं है, बेस से कम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 823। तो 823 जो बेस होगा वो 16 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, ओके। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड डेसिमल नंबर्स 8 and 9 इन BCD इज। सो वी नो दैट डेसिमल नंबर जो होते हैं वो 0 to 9 होता है, उसकी जो डिजिट होती है 0 to 9 होती है, और 10 जो होता है वो उसका बेस होता है, ओके। सो ये जो होगा वो 8 and 9 जो होगा वो उसमें एक परफेक्ट डिजिट में है 0 to 9। सो 8 + 9 हमें पता है कितना होता है, 17 होता है, ओके। तो 17 को हम BCD में कैसे करेंगे, हम हर एक डिजिट को 4 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 7 को हम कैसे करेंगे, 0 1 1 1 बाइनरी में, और 1 को हम कैसे करेंगे, 0 0 0 1, ओके। सो ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा ये 7 को, दैट इज 17, ओके। सो हमारा आंसर आ जाएगा 0001 एंड 0001। सो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, दैट्स इट। यूनिट 1 नोट्स इज अवेलेबल ऑन आवर डिजिटल स्टोर, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर, एंड लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन द बिलो द वीडियो, ओके। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।